नमस्कार साथियों, मैं दीपक सिंह नेचर ग्रीन ऑर्गेनिक से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हाजिर हूं आज एक नए वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बेड कितने तरीके से बनाए जा सकते हैं तथा सबसे सस्ता और अच्छा तरीका कौन सा है, साथ में केचुए और खाद की प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इन सब के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हम बेडों के प्रकार पर चर्चा करेंगे। तो वर्मी कंपोस्टिंग करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के तरीकों का प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से हम तीन तरीके का यूज करते हैं वर्मी कंपोस्टिंग करने के लिए, जिसके अंदर पहला मेथड अपर पिट मेथड होता है, दूसरा मेथड लोअर पिट मेथड होता है, तीसरा हमारा विंड्रो मेथड होता है। अब हम सबसे पहले अपर पिट मेथड के ऊपर चर्चा करते हैं। अपर पिट मेथड के अंदर वर्मी कंपोस्टिंग करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहले मेथड के अंदर हम बेड तैयार करने के लिए ईंट रोड़ी बजरी का प्रयोग करते हैं। जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ऐसा वो बनके तैयार होता है। ये जो तरीका होता है, ये हमारा फिक्स तरीका होता है कि इसको अगर एक बार बना दिया तो इस तरीके को या इस बेड को हम एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। इस तरीके के अंदर वर्मी कंपोस्टिंग करने के लिए जो गोबर डाला जाएगा वो परातों का यूज करके हम डालते हैं, जिसकी वजह से काम करने वाले के कमर में दर्द होने की भी संभावना होती है, क्योंकि उसे झुक के काम करना पड़ता है। साथ में इस मेथड के अंदर हवा का जो संचार है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाता तथा इस तरीके में जो हमारा बेड मेकिंग का कॉस्ट होता है वो ज्यादा होता है। तो इस प्रकार का जो तरीका है उसको हम वर्मी कंपोस्टिंग अगर करना चाहते हैं तो कमर्शियल तौर पे करना हमारे लिए बेहद ही खर्चेमंद होता है। इसके साथ साथ अपर पिट मेथड के अंदर हमारे पास एक मेथड और आता है। इस मेथड के अंदर हम HDPE बेड का यूज करते हैं, जो कि बना बनाया रेडीमेड बेड आता है। इस प्रकार के बेड को आप किसी भी ऑनलाइन साइट से परचेज कर सकते हो। जैसा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ऐसा वो आएगा। अपर पिट मेथड के अंदर दोनों जो मेथड होते हैं उनमें सेम प्रोसेस हम करते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको पिछला मेथड बताया, उस मेथड का यूज करके अगर एक बार बेड हमने बना लिया तो उस बेड को एक जगह से दूसरी जगह पे हमें नहीं लगा सकते। लेकिन HDPE जो बेड है इसका अगर हम प्रयोग करते हैं तो इस बेड को हम इच्छा अनुसार एक जगह से दूसरी जगह पे भी स्थानांतरण कर सकते हैं। लेकिन इस मेथड के अंदर भी हम जो गोबर इसके अंदर डालेंगे वो गोबर परात का यूज करके डाला जाएगा, जिससे सेम समस्या जो पिछले तरीका है उसमें जो मैंने बताई थी वही समस्या इसके अंदर आती है। इस मेथड के अंदर भी हवा का संचार पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है और साथ में जो काम करेगा वो काम करने वाला जो बंदा है उसको झुक के काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसकी कमर में दर्द होने की संभावना ज्यादा होती है। इस बेड को लगाने के लिए हम कहीं भी जगह को प्लेन करके छोटे छोटे लकड़ी के डंडे लेके साइडों में लगा के और इस बेड को तैयार कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लोअर पिट मेथड की। इस मेथड के अंदर जो हमारा बेड बनता है उस बेड की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से हम एक गड्ढा खुदवाते हैं। 2 फीट गहराई तक एक गड्ढा खोदेंगे। ये गड्ढा 2 फीट गहराई का होगा, 3 फीट चौड़ाई और लंबाई आपकी इच्छा अनुसार होगी। फिर अंदर से हम चाहे तो इसको पक्का कर सकते हैं या फिर कच्चा भी रहने दे सकते हैं। फिर इसके अंदर गोबर डाला जाएगा और अपना वर्मी कंपोस्टिंग तैयार किया जाएगा। लेकिन इस मेथड के अंदर भी हमें झुक के काम करना पड़ेगा, साथ में इसके अंदर भी हवा का संचार पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। इसके साथ साथ तो अगर बारिश हमारे पास ज्यादा हो जाती है और बारिश का पानी अगर इसके अंदर चला गया और ज्यादा पानी अगर इसके अंदर रहता है तो उसकी वजह से केचुआ मर सकता है, साथ में हमारा जो खाद है वो भी खराब हो सकता है। अब हम बात करते हैं तीसरे मेथड की। तीसरा जो मेथड है वो हमारा होता है विंड्रो मेथड। इस मेथड के ऊपर मैं पूरा काम कर रहा हूं। इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। अगर कमर्शियल तौर पे देखा जाए तो ये तरीका सबसे अच्छा, सस्ता और टिकाऊ समझा जाता है, क्योंकि इस मेथड के अंदर जब हम बेड तैयार करते हैं तो हमारा खर्चा ना के बराबर आता है और किसी कारणवश अगर बेडों को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाए तो बिना किसी अन्य खर्च के
हम आसानी से बेडों को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। हमारी तरह ही केचुए को भी जीवित रहने के लिए हवा, पानी और खाने की जरूरत होती है। तो खाना कैसे तैयार किया जाता है, कैसे बेडों में डाला जाता है, साथ में पानी कब और कैसे दिया जाता है, इन सब के बारे में पिछले वीडियो में मैंने विस्तार से चर्चा करी थी। तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं कि कैसे खाना तैयार किया जाता है और कब कितना और कैसे पानी डाला जाता है। इसके बावजूद बात आती है हवा की, तो ये जो हमारा बेड है इसके अंदर हवा का जो संचार है वो पूर्ण रूप से होता है, क्योंकि हम जो बेड बनाते हैं, बेड बनाते समय बेडों को इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि हवा का जो संचार है वो पूर्ण रूप से हो। हम जब विंड्रो मेथड के अंदर बेड तैयार करते हैं तो विंड्रो मेथड में सबसे अच्छा जो नाप है वो माना जाता है 3.5 या 4.25 फीट चौड़ाई, 30 फीट लंबाई, और एक साथ में हम दो बेड बना सकते हैं। मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया था कि मैंने 3 बेड लगा रखे हैं, वो सिर्फ मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे लगाए थे। इस प्रकार से जब 3 बेड अगर लगाए जाते हैं तो उनमें काम करने में समस्या आती है, और अगर हम 2 बेड लगाते हैं तो काम करने में समस्या नहीं आती। जब इस एक बेड में काम करना हो तो जो हम नाली छोड़ते हैं या जगह छोड़ते हैं उसमें बैठ के हम एक बेड पे काम कर सकते हैं, जब इधर वाले बेड में काम करना हो तो इधर वाली जो नाली है या जो खाली जगह छोड़ी जाती है हम वहाँ बैठ के काम कर सकते हैं। अगर आप वर्मी कंपोस्टिंग करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा और सस्ता और टिकाऊ तरीका आपके लिए विंड्रो मेथड रहेगा। बेडों के प्रकार के बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी, अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि कैसे खाद और केचुए की प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। तो वर्मी कंपोस्टिंग के अंदर खाद और केचुए की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पानी का सबसे ज़्यादा रोल रहता है। पानी की महत्वता कितनी होती है इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। तो पानी के माध्यम से हम वर्मी कंपोस्ट और केचुए की जो प्रोडक्शन है उसको काफ़ी हद तक बढ़ा भी सकते हैं या फिर लॉस भी उठा सकते हैं। अब बात आती है केचुए की प्रोडक्शन की, तो आपको पता है कि केचुआ जो है वो पानी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि भाई ये पानी का जीव है। तो अगर हमें केचुए की प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ाना है तो बेड के अंदर नमी को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम इतना पानी दें कि जिसकी वजह से केचुए को दिक्कत हो। तो हमारे दिमाग में कई बार आता है कि बारिश अगर होती है, अगर ज़्यादा बारिश होती है तो केचुए और खाद की प्रोडक्शन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो केचुआ जो है वो नमी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो केचुआ जो नमी अगर सही रहती है तो अपनी प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ाएगा, खाद कम खाएगा। नमी को बरकरार रखने के लिए हम पानी ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन जो बेड डिज़ाइनिंग है वो इस प्रकार से होना चाहिए जिससे कि एक्स्ट्रा पानी साइडों से निकल जाए। और बेडों की डिज़ाइन कैसे तैयार की जाती है वो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। इसके विपरीत केचुआ जो है वो पानी की कमी को पूरा करने के लिए गोबर ज़्यादा खाता है और खाद ज़्यादा बनाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि खाद की प्राप्ति के लिए हम केचुए को पानी देना ही बंद कर दें। जो मॉइस्चर लेवल ज़रूरी है उसको हमेशा मेंटेन रखना चाहिए जिससे केचुआ अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ाता रहे और खाद की प्रोडक्शन को भी बढ़ाता रहे। इन सब बातों का ध्यान रख के हम अपने केचुए और खाद की प्रोडक्शन को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने जितना हो सका उतनी जानकारी आपको देने की कोशिश करी है। इसके अलावा आपका कोई सवाल या फिर कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो या फिर आप डायरेक्टली मेरे पास फ़ोन कर सकते हो। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।